आज श्रावण शुक्ल दशमी गुरुवार 15 अगस्त 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, यदा कदा हल्की बारिश हो रही है। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखना। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो दर्शन अभी आप कर रहे हैं यह श्री वल्लभ निधि हवेली जुहू मुंबई से राजभोग आरती के दर्शन हैं, साभार लिए हैं। संदर्भ यह है कि आज हमारा अर्थात भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस है। आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की खूब खूब बधाइयाँ और शुभकामनाएं। पुष्टि मार्ग की कई हवेलियों में आज के दिवस प्रभु को तिरंगा की भावना के वस्त्र श्रृंगार भी धराए जाते हैं, जिसकी झलक आपको स्क्रीन पर दृश्यमान हो रही है। संपूर्ण भारतवर्ष में आज का स्वतंत्रता दिवस पूर्ण हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। जय श्री कृष्ण। कल श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात पवित्रा एकादशी है। पुष्टि मार्ग में इसका बहुत अधिक महत्व है और श्रावण शुक्ल पक्ष द्वादशी को पुष्टि मार्ग का प्राकट्य दिवस माना जाता है, जिसे पुष्टि मार्ग की गुरु पूर्णिमा भी कह सकते हैं। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले इन दोनों विशेष दिवसों की भावना की जानकारी साझा करेंगे। तत्पश्चात श्री जी में हुए हिंडोलना दर्शन, प्रभु के आज के दर्शन और एकादशी का सेवा क्रम व प्रभु दर्शन करेंगे। आइए अब पहले पवित्र एकादशी उत्सव एवं द्वादशी उत्सव की भावना का अवलोकन करते हैं। एकादशी की भावना से दर्शन करें, सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया गया है। संवत 1494 की श्रावण शुक्ल तीज से भागवत पारायण प्रारंभ कर आज श्रावण शुक्ल एकादशी को पूर्ण की थी श्री वल्लभ ने। आप देवी जीवों के लिए चिंतित थे, तभी मध्य रात्रि को स्वयं ठाकुर जी ने प्रकट होकर श्री महाप्रभु जी को देवी जीवों को ब्रह्म संबंध देने की आज्ञा दी। श्री महाप्रभु जी ने श्री गोवर्धन नाथ जी को 360 तारों का जनेऊ जिसे पवित्र कहते हैं अंगीकार करवाया, मिश्री का भोग अरोगाया। पुष्टि मार्गीय जीवों के लिए यह बहुत ही विशिष्ट दिवस है। आज सर्वप्रथम श्री दामोदर दास जी हरसानी जी को ब्रह्म संबंध प्राप्त हुआ और समस्त जीवों के लिए ब्रह्म संबंध का पुष्टि पथ आलोकित हुआ। अर्थात पुष्टि मार्ग ब्रह्म से संबंध का मार्ग है, ब्रह्म को प्राप्त करने का मार्ग है। पुष्टि मार्ग के इस प्राकट्य दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आइए ब्रह्म संबंध के विषय में थोड़ा सा जानते हैं, जो पुष्टि मार्ग का मूल आधार है और यह आधार प्रभु आज्ञा से है। अपनी आज्ञा में प्रभु ने श्री महाप्रभु जी से कहा है कि आप जिन जीवों का संबंध मुझसे कराओगे उन्हें आप भले छोड़ दोगे लेकिन मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। यह आज्ञा करते हुए प्रभु श्री गोवर्धन धर ने महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी को ब्रह्म संबंध का मंत्र प्रदान किया और आज्ञा की कि जिस भी जीव को आप यह मंत्र देंगे उसके समस्त दोष निवृत्त हो जाएंगे। इसी समय श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने मधुराष्टकम ग्रंथ की रचना की। इस समस्त घटनाक्रम को प्रभु श्री ने सिद्धांत रहस्य ग्रंथ में प्रतिपादित किया है। ब्रह्म संबंध विवाहवत संस्कार भी कहा जा सकता है, जिसमें जीव का प्रभु से संबंध होता है। प्रभु और जीव का यह संबंध गुरु ही करवाते हैं। अतः पुष्टि मार्गीय समस्त जीवों के लिए सर्वोच्च गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी हैं, जो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं
आज दामोदर दास जी हरसानी को प्रथम ब्रह्म संबंध श्री महाप्रभु जी ने करवाया था, अतः आज गुरु को पवित्रा धराने की परंपरा तभी से प्रारंभ हुई। एक और विशेषता है, पवित्रा बारस को श्री महाप्रभु जी को दामोदर दास जी हरसानी के साथ में स्वयं प्रभु श्री गोवर्धन धरन ने भी पवित्रा धराई थी। जिनके हृदय में श्री जी सदैव विराजमान हैं, जिन्होंने पुष्टि मार्ग को अपनाया है, उनके लिए गुरु का महत्व क्या है, यह इस घटनाक्रम से प्रतिपादित है। पवित्रा ग्यारस बारस को जो क्रियात्मक सेवा होती है, उसे न केवल स्थायी संस्कार के रूप में अपनाएं, बल्कि नव पल्लवों में भी संस्थापित करें। न केवल स्थापित करें बल्कि सिंचित भी करें, यह हमारा आधार है। अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखकर अपने दोषों के निवारार्थ पवित्रा धराएं। वर्तमान कालखंड एवं घटनाक्रमों के अनुसार यह उल्लेखनीय है कि पाखंडों को अपने विवेक से दूर रखकर केवल श्री वल्लभ पर भरोसा दृढ़ रखें। इसे समझने के लिए आज के ही दिन हुए एक और घटनाक्रम को आप अवश्य जानिए। जब प्रभु श्री गोवर्धन धरन महाप्रभु जी को आज्ञा कर रहे थे, तब श्री दामोदर दास जी हरसानी भी वहां विद्यमान थे। प्रभु आज्ञा के पश्चात प्रातः श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने हरसानी जी से पूछा कि दमला तेने कछु सुनियो। तब हरसानी जी ने निवेदन किया कि प्रभु, मैंने कुछ सुना तो सही पर समझा कुछ नहीं। अर्थात वह जो भगवद आज्ञा है, वह केवल गुरु ही समझा सकते हैं, इसका हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वार स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज प्रभु श्रीनाथ जी को श्रावण मास के तहत पवित्रा एकादशी उत्सव के आगम के नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। उत्सव के एक दिवस पहले धराए जाने वाले यह श्रृंगार अनुराग के भाव से धराए जाते हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। गिरधर सुरंग हीड़ो रे झूले माई गिरधर सुरंग हीड़ो रे गिरधर। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शनों का प्रारंभ करते हैं। और श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु ने आज आभरण से मिलुआ, नुपुर, पेंजनिया और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री जी ने ललाट पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों पर जो मंद मुस्कान है, वह हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए अपने भक्तों को उनके भावों के अनुसार प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज लाल रंग के मलमल की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि यह पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराई हुई है। गादी तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है।
स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर हरी मखमल मढ़ी हुई है। दो स्वर्ण के पड़गा जी एवं एक रजत के पड़गा जी भी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। रजत के एक पड़गा जी पर शीतल सुगंधित जल से भरा हुआ श्वेत माटी का कुंजा पधराया हुआ है। गादी पर ही रजत की दो गुलाबदानियां भी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ धरती पर चांदी की त्रिष्टि जी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज जो वस्त्र धारण किए हैं उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज लाल रंग के मलमल के वस्त्र धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज पिछोड़ा अंगीकार करवाया गया है। यह पिछोड़ा सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है, परंतु पिछोड़ा के किनारे मोड़ दिए जाने के कारण किनारी दृश्यमान नहीं हो रही है। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज पीले रंग के धराए गए हैं। अब जिन्हें श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ान का अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्तसांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण पन्ना एवं स्वर्ण से सिद्ध किए हुए धराए हैं। इन सभी मालाओं एवं हार में नीचे पदक लगे हुए हैं। इनके साथ एक कमल माला भी धराई गई है। श्री मस्तक पर प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करें तो लाल रंग की ही मलमल की सुनहरी किनारी से सुसज्जित छज्जेदार पाग धराई गई है। पाग पर आभरण से मिलवा ही सिरपेच धराया गया है और सिरपेच पर प्रभु को आज एक मोर पंख की सादी चंद्रिका धराई गई है। चंद्रिका के साथ बाई ओर शीश फूल तो धराए गए ही हैं। मोतियों से सिद्ध की हुई एक लूम भी धराई हुई है। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो आज प्रभु को आभरण से मिलवा अर्थात पन्ना से सिद्ध किए हुए कर्ण फूल की दो जोड़ धराई गई हैं और फूल घर की सेवा के तहत प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत, लाल, पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली दो माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगा जी भी धराए गए हैं। श्री हस्त में प्रभु को आज एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण में जड़ित हरे मीणा के वेणु जी धराए गए हैं। कटी पर प्रभु को आज दो वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक वेत्र जी हरे मीणा के और एक स्वर्ण के हैं। खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें आज पट लाल रंग का सुनहरी हाशिया वाला और गोटियां स्वर्ण की छोटी वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत आरसी दिखाई गई है। इसमें श्रृंगार में स्वर्ण की और राजभोग में उत्सव वाली आरसी दिखाई गई है, जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा होती है उसका अवलोकन करें तो मंगला में सोहेलरा नंदमहर राजभोग में आज की शोभा कहत न आवे, गावो गावो मंगल चार बधाओ,
हिंडोरना के पद में नट के पद, सुरंग हिंडोरना हो माई, झूलत नव रंग संग, मुदित झूलावत छबीले गोपाल झूलो, शयन के पद में झूले नागरी नागर दो, मान के पद में तू चल नंद नंदन बन बोली, पोड़वे के पद में तुम पोड़ो हो सेज सजाऊं। कीर्तनों का गायन हो रहा है, शिजी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत हो रहा है, जिसमें भोग सेवा के तहत दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा नित्यवत अरोगाए जाते हैं। मंगला राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। श्रावण मास की विशेष सेवा के तहत सायंकाल में हिंडोलना के दर्शन होते हैं, जिसमें कमल चौक में प्रभु श्री मदन मोहन लाल जी एवं नवनीत प्रिया जी के मंदिर में प्रभु श्री लाड़िले लाल हिंडोलना में विराज कर आनंद वर्षा करते हैं। प्रभु श्री जी और प्रभु श्री नवनीत प्रिया जी में आज पान के हिंडोलना के दर्शन होंगे। कल होने वाले हिंडोलना के दर्शन में प्रभु श्री जी में श्री मदन मोहन लाल जी और प्रिया जी में श्री लाड़िले लाल चांदी के हिंडोलना में विराज कर सभी पर आनंद वर्षा करेंगे। जय श्री कृष्ण। पवित्र एकादशी उत्सव के आगम के श्रृंगार दर्शन के पश्चात आइए प्रभु श्रीनाथ जी में पवित्र एकादशी अर्थात श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को क्या सेवा क्रम रहता है तथा प्रभु को क्या श्रृंगार धराए जाते हैं, इसके दर्शन करते हैं। पवित्र एकादशी उत्सव के दिवस की यह प्रस्तुति है, इस भावना से ही दर्शन करें। सभी जगह पर आज शब्द का प्रयोग किया गया है। पवित्र एकादशी का उत्सव होने के कारण श्रीजी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों की सूत की डोरी से बनी वंदन माल बांधी जाती है। दिन भर झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। मंगला राजभोग संध्या व शयन चारों समय आरती थाली में की जाती है। गेंद चौगान दीवला सभी सोने के आते हैं। मुड्डा पेटी और दीवाल गिरी आदि पर कशीदा का साज चढ़ता है। मंगला के पश्चात ठाकुर जी को चंदन आंवला एवं फुलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आज से पूनम तक प्रतिदिन श्रृंगार समय मिश्री की गोल डली का भोग अरोगाया जाता है। गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में विशेष रूप से श्री जी को मन मनोहर मेवा बाटी एवं दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अन सखड़ी में दाग का रायता, सखड़ी में मीठी सेव व केसर युक्त पेठा दोहरा अरोगाए जाते हैं। इस बार प्रभु श्रीनाथ जी में पवित्रा एकादशी के दिवस उत्थापन के समय पवित्रा धराए जाएंगे। पवित्रा अधिवासन के पश्चात टेरा लेकर प्रभु को यह पवित्रा धराए जाते हैं। पवित्रा धराए जाने के उपरांत उत्सव भोग धरे जाते हैं, जिसमें विशेष रूप से मिश्री की गोल डलिया सफ़ेद व केसर युक्त छुट्टी बूंदी खस्ता शकरपारा दूध घर में सिद्ध मावे के पेड़ा बर्फी दूध पूड़ी केसर युक्त बासुंदी जीरा युक्त दही घी में तला बीज चालनी के सूखे मेवे विविध प्रकार के संधाना विविध प्रकार के फल फूल शीतल आदि अरोगाए जाते हैं। आज प्रभु को उत्सव भोग में सभी ग्रहों से पधारी मिश्री अरोगाई जाती है। भोग के समय प्रभु को फीका के स्थान पर घी में तला बीज चालनी का सूखा मेवा अरोगाया जाता है। आज श्री जी की साज सेवा में
सफेद डोरिया के वस्त्र पर थोड़े थोड़े अंतर से सुनहरी जरी के धोरा वाली सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। गादी और तकिया के ऊपर सफेद बिछावट की जाती है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी हरी मखमल वाली होती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज सफेद केसर की किनारी का पिछोड़ा धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र लाल रंग के होते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद से 2 अंगुल ऊंचा उत्सव का भारी श्रृंगार धराया जाता है। मिलवा हीरे की प्रधानता के मोती माणक पन्ना एवं जड़ाऊ स्वर्ण के आभरण धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर सफेद कुल्ले के ऊपर सिर पेच 3 मोर पंख की चंद्रिका की जोड़ एवं बाईं ओर शीश फूल धराया जाता है। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। नीचे 5 पदक ऊपर हीरा पन्ना माणक मोती के हार व दुलड़ा धराया जाता है। कली की माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में कमल छड़ी हीरा के वेणु जी एवं 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में व्यंजनियाँ नूपुर व बिच्छियाँ उत्सववत धराई जाती हैं। खेल के साज में पट उत्सव का गोटी सोने की जाली वाली आती है। प्रभु को आरसी श्रृंगार में 4 झाड़ की एवं राजभोग में सोने की डांडी वाली दिखाई जाती है। राग सेवा के तहत आज मंगला में आज बड़ो दरबार देखियो नंद राय तेरो। राजभोग में हेरी है आज नंद राय के। हिंडोरा में गोविंद स्वामी के प्रथम दिवस के पद गाए जाते हैं। शयन में आछीनी की सोहत कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। वहीं संध्या आरती में श्री मदन मोहन जी डोल तिवारी में चांदी के हिंडोलने में झूलते हैं। उनके सभी वस्त्र श्रृंगार श्री जी के जैसे ही होते हैं। श्री नवनीत प्रिया जी भी चांदी के ही हिंडोलने में विराजित होकर झूलते हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। गिरधर सुरंग हीरो रे झूले माई गिरधर सुरंग हीरो रतन खचित पटुनी पर बैठे रतन खचित पटुनी पर बैठे नाग श्याम सुंदर तन पीत बसन घन श्याम सुंदर तन सारी सुर गई बो रे सारी सुर गई अंसन बा उपरस पर जोरे अंसन बा उपरस
मंद हसन पिय ओरे झूले माई गिरिधर सुरज गोरे नार जुरगा में चहू दिस झुलवत हो रे तो रे झुलवत हो रे सूर प्रभु प्रभु गिर धरन लाल छब ब्रज जुवती न चित चो रे ब्रज जुवती न चित चो रे चुनै माई गिरिधर सुरंग झुलवत खोल ओ रे झुलवत खोल ओ रे सूर प्रभु गिरि धरन लाल छब सूर प्रभु गिरि धरन लाल छब ब्रज युवती न चित चोरे हे ब्रज युवती न चित चोरे झूले माई ब्रज युवती न चित ब्रज युवती न चित ब्रज युवती न चित चोरे झूले माई गिरिधर सुरंग डोरे झूले माई गिरिधर सुरंग गिरिधर सुरंग डोरे झूले माई गिरिधर सुरंग गिरिधर सुरंग गिरिधर सुरंग पैरन को दीने आए
विजयत आए गे लाल माई विजयत आए गे विजयत आए गे लाल माई विजयत आए गे हाथ लकुटिया कामर होई हाथ लकुटिया कामर खोई कूदत कीच सने कूदत कीच सने गए लाल माई विजयत आए गे निश अंधियारी हाथ नहीं सूझत निश अंधियारी हाथ नहीं सूझत पवन जको रत में पवन जको रत में सूरदास दामिनी के दम के सूरदास दामिनी के दम के लखी सामरी दे लखी सामरी दे लाल माई अभिजत आए गे लाल माई विजयत आए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।